अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। आज हम मटर कीमा लेके आए हैं, बड़ा ज़बरदस्त मटर कीमा बनने वाला है, बहुत कमाल का बनने वाला है। ये है जी मटन का कीमा, ठीक है, मटर का कीमा है। ये देखिए मैंने बाज़ार से बरी करवा लिया है। ये हमारे पास ये मटीरियल जो मैंने इसके अंदर ऐड करना है, इसके अंदर मैंने चार अदद मैंने प्याज लिए हैं और तीन अदद मैंने टमाटर लिए हैं और जो ये लहसुन तकरीबन मैंने लिया जी 50 ग्राम मैंने लहसुन लिया, ठीक है, और अदरक भी मैंने 50 ग्राम लिए। अगर आप चाहते हो तो आप इन सबको मिक्स करके प्रेशर में 10 मिनट सीटी दे सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन मैं आज मुझे जल्दी है तो मैं इसको पहले जग में ग्राइंड करूँगी ये मटीरियल को, फिर मैं इसको सीटी दूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए, ठीक है, 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि कीमा हमारा पहले सॉफ्ट है नरम है, मशीन में दो दफा निकाला हुआ है, तो सिर्फ 5 से 7 मिनट हम लोग सिर्फ वेट देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या करना। अभी मैं इसको ना ग्राइंड करके ना फिर आपसे मिलती हूँ। अभी बस ये देखें मैंने ग्राइंड कर लिया मसाला, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये कीमा डालेंगे मटन का, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसका पानी खुश करेंगे कीमे का, इसको 10 मिनट हम लोग ऐसे पकाएंगे, ठीक है, फिर बाद में इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ जी। व्यूअर्स ये देखिए आपके सामने ये इसका पानी खुश्क हो रहा है, तो इसी के साथ मैं ना इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, हल्दी ऐड करूँगी और थोड़ी सी मिर्च ऐड करूँगी, ठीक है। व्यूअर्स ये देखिए आपके सामने मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और आधा ही थोड़ा सा ना आधे से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी लिया, ठीक है। इन चीज़ों को मैं ऐड कर लूँगी, बाकी मसाले हम लोग ना इसको बॉयल करने के बाद ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको इसके अंदर ही डाल दूँगी, ठीक है। अभी इसको मिक्स करने लगी हूँ, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। बस ये देखिए मैंने मिक्स किया है, अब इसके अंदर थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी, ये देखिए सिरका ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी डाल के बल्कि आधा गिलास पानी डाल के इसको वेट दे दूँगी सिर्फ 7 मिनट, ठीक है। फिर मिलते हैं 7 मिनट बाद, ठीक है, वेट देने के बाद मिलते हैं। ये देखें जी 10 मिनट हो गए थे पानी है, तो अभी इसके अंदर मैं घी ऐड करने लगी, ठीक है। घी थोड़ा सा ऐड करेंगे 4 चम्मच, क्योंकि इसमें पहले घी होता है। और ये देखिए जी मैंने मसाले खुश्क धनिया 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच पहले डाला था, थोड़ा इसमें कलर में और अच्छा आ जाए। और ये है जी गरम मसाला, ये है ज़ीरा पाउडर, ठीक है, ये ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। तो मैंने मटर छील लिए हैं, उसके दाने निकाल लिए हैं, वो भी ऐड करके ना इसको मैं सीटी लूँगी मटर समेत। ये धोए आ रहे हैं आपको शायद नज़र ना आए, तो इसको 5 मिनट और, ये इसको मैं 5 मिनट और सीटी दूँगी, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि पानी है अभी, तो इसके अंदर ही मैं वो मटर डाल दूँगी, तो 5 मिनट बाद मिलेंगे, फिर इसकी भूनी करेंगे, ठीक है, भूनेंगे इसको कीमे को अच्छी तरह भूनेंगे, फिर हमारा कीमा तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह हमारा कीमा ज़बरदस्त तैयार हो रहा है, धुआँ बहुत ज़्यादा, ये देखिए अब नज़र आया आपको, थोड़ा सा भी पानी है, थोड़ा सा मैं खुश करती हूँ इसको, 10 मिनट और भूनूंगी, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट बाद। बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो रहा है, ये देखिए आप बता के खाने को भूल जाओगे, जैसे मैं खाना बनाती हूँ वैसे बनाएं तो बहुत इजी आपकी लाइफ आपकी आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये जी हमारा कीमा तैयार है, तो इसके अंदर हम ये हरी मिर्च और अदरक ऐड करेंगे, ठीक है, इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, इसको एंड में ऐड करने से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। इसको बस 5 मिनट इसको भूनूंगी, तो यकीन करें बहुत कमाल का बनेगा, बेस्ट, ठीक है। तो इसे 5 मिनट भूनने के बाद लगता आपको नज़र नहीं आना सही, ये देखिए नज़र 5 मिनट इसको भूनेंगे अच्छी तरह, फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त, मैं मजबूर हो जाती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ ना कि मैं माशाल्लाह के बगैर मैं रह ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, अल्लाह ने जिस चीज़ से मैं नवाजा है, जो भी हमें दिया है, अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी नियमतों से नवाजा है, हम फिर भी नाशुक्री कर जाते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा मटर कीमा कितना ज़बरदस्त होममेड तैयार है, देखिए आपके साथ कितना अच्छा मैंने पकाया है, और ज़रा भी स्मेल नहीं आई, बच्चे भी मेरे खा के गए हैं, ठीक है। तो आपके सामने आप देख सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरह दिखा रही हूँ, ये देखिए इसका लुक क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखें
ये करें, जिस तरह मैं बनाती हूँ उसी तरह आपको कोई नहीं बताएगा। एक एक स्टेप बताती हूँ और अपने तरीके से बना के बताती हूँ कि मैं जैसे बनाती हूँ, ठीक है। मैं यही है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीका बताऊँ, अनोखा तरीका बताऊँ, ताकि आप मेरे वीडियो देखें और ये और मेरे वीडियो में आएँ और मेरी रेसिपी ट्राई करें, ठीक है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें और अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को लाजमी शेयर करें मेरे चैनल का लिंक, ठीक है। तो टेस्टी बहुत बना है, मेरा दिल नहीं कर रहा इसको मैं ख़राब करूँ। वैसे यकीन करें ये थोड़ा सा मैं टेस्ट करके देखती हूँ, मैंने पहले भी टेस्ट करा था, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत सॉफ्ट बना, मक्खन जैसा नरम रेशम जैसा बना, बहुत कमा के बना, ठीक है। इसके साथ मुझे जा दें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद है ना, मुझे दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे आपकी दुआएँ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।